हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। दिस इज़ योर क्विज नंबर 24 फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स एंड टुडेज टॉपिक इज़ मेमोरीज। सो मेमोरीज जो है वो आपकी यूनिट 5 का टॉपिक है एंड जो लास्ट कुछ टॉपिक्स हमने करे हैं वो भी यूनिट 5 के टॉपिक है, दैट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो मेमोरीज हम कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे जो डेटा है उनको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रैम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी वेर एज रोम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन बी इज रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी वेर एज रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन सी इज बोथ रोम एंड रैम आर वोलेटाइल मेमोरीज। ऑप्शन डी इज बोथ रैम एंड रोम आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो हमें पता है रैम क्या होती है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, एंड रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड रीड ओनली मेमोरी में हम ओनली रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो हम सबको पता है कि जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। ओके, एंड जो रोम है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ओके, सो वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी वो होता है कि अगर कोई भी डेटा है वो हम वो लॉस कर देते हैं उस डेटा को, हम अगर कोई हमारा जो पावर स्विच है वो ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ हो जाती है तो डेटा लॉस हो जाता है। एंड नॉन वोलेटाइल क्या होता है कि जो डेटा है वो रिमेन रहता है, स्टोर्ड हो जाता है पर लॉस नहीं होता हमें अगर पावर ऑफ हो जाए। ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज़ रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है एंड जो रोम है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो सी रैम जो है, रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी इन विच रीड एंड राइट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड और राइट मेमोरी। ओके, सो वोलेटाइल मेमोरी क्या होगा कि ये क्या करेगा, अपना डेटा जो है वो लूज कर देगा व्हेन पावर सप्लाई ऑफ मेमोरी इज टर्न्ड ऑफ। ओके, एंड रोम क्या होगा, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन विच ओनली रीड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्क रीड ओनली मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल में क्या होगा कि इसमें रिटेन रहेगा स्टोर डेटा परमानेंटली इवन इफ इट्स पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ। इसका जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहेगा अगर पावर सप्लाई है वो भी ऑफ हो जाए तो भी। ओके, सो मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो होंगी वो इसका नॉन वोलेटाइल मेमोरी का ही एग्जांपल होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मोस्ट ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड टू मेल डायनामिक रैम सेल इज। सो डायनामिक रैम सेल क्या होता है? डायनामिक रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज स्टेटिक रैम। ओके, सेकंड इज डायनामिक रैम। ओके, सो जो स्टेटिक रैम होता है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो इन फ्लिप फ्लॉप में होता है, लाइक ए फ्लिप फ्लॉप में। ओके, एंड डायनामिक में लाइक ए चार्ज होता है, चार्ज की मोस्ट कैपेसिटर की तरह हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं। ओके, सो इसमें हम BJT एंड MOSFETs दोनों यूज़ करते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ट्रांजिस्टर्स यूज़ करेंगे। ओके, सो डायनामिक रैम सेल में हमें सिर्फ एक जो मिनिमम नंबर जो मोस्ट ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड होंगे वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ वन नंबर वन ही मोस्ट ट्रांजिस्टर हमें रिक्वायर होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, सो डायनामिक रैम क्या होगा, द मिनिमम नंबर ऑफ मोस्ट ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड टू मेल ए डायनामिक रैम सेल इज वन। द MOSFET मैंने अभी आपको बताया कि डायनामिक रैम में हम ओनली MOSFETs यूज़ करते हैं। तो MOSFET क्या होता है, एक टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है जो कि फैब्रिकेटेड होता है बाय द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन। इट हैज़ एन इंसुलेटेड गेट हुज वोल्टेज डिटरमाइंस द कंडक्टिविटी ऑफ द डिवाइस। ओके, दिस रिफ्रेश रिक्वायरमेंट गिव्स राइज टू द टर्म डायनामिक स्टेट मेमोरीज डू नॉट हैव ए नीड टू बी रिफ्रेश्ड। तो डायनामिक मेमोरी जो होती हैं उनको डायनामिक मेमोरी होती है उनको रिफ्रेशिंग रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो इसका जो एडवांटेज क्या होता है DRAM का, कि ये बहुत ही सिंपल होता है। ओके, सो इट ओनली रिक्वायर्स अ सिंगल ट्रांजिस्टर कंपेयर टू अराउंड 6 इन ए टिपिकल स्टेटिक रैम। ओके, एंड जो स्पीड में हम देखेंगे तो स्टेटिक रैम जो होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू DRAM। ओके,
सो नेक्स्ट आंसर इज सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज PROM contains a programmable AND array and a fixed OR array. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज PROM जो होता है वो उसमें हमारे पास फिक्स्ड एंड एरे होता है एंड ए प्रोग्रामेबल और एरे होता है. ओके सो PLA contains a fixed AND array and a programmable OR array. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज जो हमारे पास PLA होता है उसमें प्रोग्रामेबल एंड एरे होता है एंड प्रोग्रामेबल ही और एरे होता है. ओके सो ऑप्शन सी इज PROM contains a fixed AND array and a programmable OR array. सो दिस ऑप्शन इज राइट. एंड ऑप्शन डी इज PLA contains a programmable AND array and a programmable NOR array. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज जो PLA होता है उसमें प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड ए प्रोग्रामेबल और एरे होता है, नोर एरे नहीं होगा. ओके सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा. ओके सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके सो सी PROM क्या होगा, PROM जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ओके सो PROM कैन बी प्रोग्रामड इलेक्ट्रिकली बाय द यूज़र बट कैन नॉट बी रीप्रोग्रामड. सो इसको हम इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम कर सकते हैं पर इसको हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, रीप्रोग्राम नहीं कर सकेंगे. ओके सो इसमें एक फिक्स्ड एंड एरे होता है एंड एक फ्यूज्ड प्रोग्रामेबल ओवर एरे होता है. ओके सो PLA जो होता है उसके फुल फॉर्म हो जाएगी प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे एंड उसमें दोनों ही प्रोग्रामेबल एंड एरे होते हैं, प्रोग्रामेबल ओवर एरे होंगे. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर डायनामिक रैम इज करेक्ट. ओके सो इसमें हमसे पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है अबाउट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और हमसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट है यहाँ पे. ओके सो डायनामिक रैम में मैंने आपको बताया कि जो स्टेटिक रैम होता है उसमें जो डेटा स्टोर्ड होता है वो एज ए फ्लिप फ्लॉप होता है. ओके एंड जो डायनामिक रैम होता है उसमें जो डेटा है वो स्टोर्ड होता है एज ए चार्ज यानी एज ए MOS कैपेसिटर. सो MOS कैपेसिटर में क्या होगा कि जो डेटा है वो एज ए चार्ज जो होगा वो स्टोर होगा. ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिट इज स्टोर्ड एज ए चार्ज. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ मेड ऑफ MOS ट्रांजिस्टर्स. या दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट बिकॉज डायनामिक रैम जो होता है वो ओनली MOS ट्रांजिस्टर से बना होता है एंड जो स्टेटिक रैम होता है वो MOS ट्रांजिस्टर्स एंड BJT दोनों से मिलकर बना होता है. ओके जो स्पीड होती है, थर्ड स्टेटमेंट इज स्पीड ऑफ डायनामिक रैम इज फास्टर देन प्रोसेसर्स. नो दिस इज रॉन्ग बिकॉज जो स्टेटिक रैम होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है. ईच मेमोरी सेल रिक्वायर्स 6 ट्रांजिस्टर. जो नो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो दिस इज रॉन्ग. ओके सो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके सो सी अगर हम डिफरेंस देखेंगे स्टेटिक रैम एंड डायनामिक रैम में तो जो स्टेटिक रैम होगा उसमें डेटा जो होगा वो लाइक फ्लिप फ्लॉप की तरह स्टोर होगा एंड जो डायनामिक रैम होगा उसमें MOS कैपेसिटर की तरह स्टोर होगा और कैपेसिटर में जो डेटा होता है वो एज ए चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है. ओके सो स्टेटिक रैम में BJT एंड MOSFET अपन यूज़ करते हैं, इसमें हम ओनली MOSFET, डायनामिक रैम में हम ओनली MOSFET यूज़ करते हैं. ओके सो स्टेटिक रैम जो होता है उसमें कोई रिफ्रेशिंग रिक्वायर नहीं होती है, डायनामिक में रिफ्रेशिंग रिक्वायर होती है. ओके सो स्टेटिक रैम को हम एज ए कैच मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं एंड डायनामिक रैम को हम एज ए मेन मेमोरी यूज़ करते हैं. ओके सो स्टेटिक रैम जो होता है उसमें डेंसिटी जो होती है वो लेस होती है, डायनामिक रैम में डेंसिटी जो होगी वो हाई होगी एंड स्टेटिक रैम में पावर डिसिपेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा एंड डायनामिक रैम में पावर डिसिपेशन जो होगा वो लो होगा. और मेमोरी कैपेसिटी ऑफ स्टेटिक रैम इज़ लेस एंड मेमोरी कैपेसिटी ऑफ डायनामिक रैम इज़ मोर. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेमीकंडक्टर रैम हैज़ ए 12-bit एड्रेस रजिस्टर एंड एन 8-bit डेटा रजिस्टर. द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द मेमोरी इज. सो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास, दीज आर द ऑप्शंस. सो इसका फॉर्मूला होता है, सो अगर मेमोरीज में हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power n मल्टीप्लाई m, वेयर n जो होगा वो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होंगी एंड m जो होगा वो नंबर ऑफ डेटा लाइंस होंगी. ओके सो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हमें गिवन है 12-bit एंड नंबर ऑफ डेटा लाइन हमें गिवन है 8-bit. ओके सो 2 to the power 12 मल्टीप्लाई m हमें गिवन है 8. ओके सो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power 10 into 2 to the power 2.
ओके इंटू एट, तो टू टू द पावर टेन हमें पता है 1024 होता है, एंड टू टू पावर टू 4 होगा और 8 4 जा 32 हो जाएगा. ओके सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32,768 बिट्स. ओके सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके सो सी हमारे पास अगर हमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स निकालना है मेमोरी में तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 2^n इंटू एम, जहाँ पे एन जो होगा वो एड्रेस लाइन्स होंगी जो कि हमें 12 बिट गिवन है, और m जो होगा वो डेटा लाइन्स होंगी जिस जो कि 8 हमें गिवन है, एंड हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन मेमरी, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू. ओके तो लिस्ट वन में हमें मेमोरी एलिमेंट्स गिवन है एंड लिस्ट टू में हमें प्रॉपर्टीज़ गिवन है मेमोरी एलिमेंट्स की. ओके सो लिस्ट वन में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से मेमोरी एलिमेंट्स गिवन है, सेमी कंडक्टर मेमोरी, फेराइट कोर मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप मेमोरी. ओके सो सी जो सेमी कंडक्टर मेमोरीज होती हैं वो जो होती हैं वो ओनली सेमी कंडक्टर मटेरियल से मिलके बनी होती हैं, जिसमें ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं. तो रैम और रोम जो होगा वो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा सेमी कंडक्टर मेमोरी का. तो हमें पता है कि सेमी कंडक्टर मेमोरी जो होता है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक होता है. ओके सो जो ए होगा वो उसमें वो वन हो जाएगा. ओके सो फेराइट कोर मेमोरी जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव रीड आउट होता है उसकी प्रॉपर्टी, तो ये बी का सॉरी ए का टू हो जाएगा एंड बी का वन हो जाएगा. एंड मैग्नेटिक टेप मेमोरी जो होगी वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, दैट इज थ्री. ओके सो इसका आंसर हो जाएगा 213, दैट इज ऑप्शन ए. सो मैग्नेटिक मेमोरी जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये जो मेमोरी होती हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल से मिलके बने होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, हार्ड ड्राइव्स हो गया, मैग्नेटिक ड्रम्स हो गया. ओके उनका जो एक्सेस टाइम होता है ना वो हाई होता है. ओके और इनकी पैकेजिंग डेंसिटी भी हाई होती है और कॉस्ट जो होता है वो लो होता है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंगल रोम इज यूज्ड टू डिज़ाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट डिस्क्राइब्ड बाय ए ट्रूथ टेबल, व्हाट इज नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इन द रोम. सो हमें पता है कि अगर हम रीड ओनली मेमोरी की बात कर रहे हैं तो वो एक सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है और जो कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक होती है. ओके सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक सिंगल रीड ओनली मेमोरी को हम यूज़ कर रहे हैं एक डिज़ाइन करने के लिए कॉम्बिनेशनल सर्किट को उसके ट्रुथ टेबल से. ओके तो इसमें जो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं वो कितनी क्या होंगी. ओके सो ऑप्शन ए इज़ नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स इन द ट्रुथ टेबल, ऑप्शन बी इज़ नंबर ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स इन द ट्रुथ टेबल, ऑप्शन सी इज नंबर ऑफ इनपुट प्लस आउटपुट वेरिएबल्स इन द ट्रुथ टेबल, ऑप्शन डी इज़ नंबर ऑफ लाइंस इन द ट्रुथ टेबल. ओके सो अगर हम सिंगल रोम को यूज़ कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए तो उसमें जो नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस के. ओके सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन. सो अवर असर्शन इज PLA कंटेन्स ए फिक्स्ड एंड एरे एंड ए प्रोग्रामेबल और एरे. सो हमें पता है कि PLA का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, और हमें यह भी पता है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में दोनों ही प्रोग्रामेबल होते हैं, प्रोग्रामेबल एंड एरे होते हैं, प्रोग्रामेबल और एरे होते हैं. हमने कुछ लास्ट क्वेश्चन में देखा था ये. ओके सो असर्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, और रीजन गिवन है पी रोम कंटेन्स ए फिक्स्ड एंड एरे एंड ए प्रोग्रामेबल और एरे, सो रीजन इज ट्रू. ओके सो आवर असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज, अवर असर्शन इज लार्ज रैम विद मोस्ट सर्किट टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर द मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम. सो अवर असर्शन इज ट्रू बिकॉज हमें पता है कि जो डायनामिक रैम होती है जो कि लार्ज मेमोरी होती है उसको हम सिर्फ मोस्ट सर्किट टेक्नोलॉजी के साथ यूज करते हैं और एज ए मेन मेमोरी हम यूज़ करेंगे. ओके सो रीजन इज एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रोम इज टू स्टोर सिस्टम प्रोग्राम्स लाइब्रेरीज सब रूटीन्स एटसेट्रा. सो ये सब रूटीन है. ओके सो हमें पता है कि रोम जो होता है वो प्रोग्राम्स को स्टोर करने के काम करती है. ओके सो रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट रीजन इज नॉट द वैलिड रीजन फॉर अवर असर्शन, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन PLA एंड रोम इज. सो हमें पता है कि PLA
क्या होगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, एंड रोम क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी. ओके, सो PLA ऑप्शन ए इज PLA सीक्वेंशियल, रोम इज कॉम्बिनेशनल. ऑप्शन बी इज PLA इज कॉम्बिनेशनल, रोम इज सीक्वेंशियल. ऑप्शन सी इज PLA इकोनोमाइज ऑन द नंबर ऑफ मिनटम्स टू इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शंस. ऑप्शन डी इज PLA हैज़ फिक्स्ड एंड एरे, रोम हैज़ फिक्स्ड और एरे. सो सी, हमें पता है कि PLA और जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, वो दोनों ही एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएंगे. ओके, सो हमें पता है कि PLA जो होता है उसमें दोनों ही एंड एरे और एरे वो दोनों प्रोग्रामेबल होते हैं. ओके, और रोम में, ओके, सो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ओके, जो PLA होता है उसको हम एज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ करते हैं, और ये SOP और POS फॉर्म में हम यूज़ करते हैं. ओके, सो इम्प्लीमेंट करने के, बुलियन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के काम में आता है. ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर. ओके, दैट्स इट. हमारे जो यूनिट 1 के नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, वहाँ आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं. जो उसका लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं. थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.